तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज उतरे थे मिल्टा पावर में और यहाँ पर उतरने के बाद मेरे को DBS मिल जाती है और M16 मिल जाती है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद इधर उधर भटकने के बाद फुटस्टेप आते हैं और एक बंदा भी दिख ही जाता है। अब इसकी पेटी बनाते हैं। पेटी बनाने के बाद भाई लूटते हैं। लूटने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा हील अप लगाने के बाद इधर उधर घूम ही रहा था कि भाई मेरे को बुलेट चलने की आवाज़ आती है। अब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और फिर बाहर देखता हूँ तो भाई एक टूटी फूटी गाड़ी होती है जिसके पीछे एक बंदा छुपा होता है। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि भाई उसके ऊपर नेड करूँ, पर वो भी मेरे ऊपर नेड करता है और दोनों के नेड आपस में क्रॉस हो जाते हैं और फिर देखो क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि भाई मेरे नेट से उसको कुछ हुआ कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई उसके नेट से मेरे को यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। तो यहाँ पर सीधा मैं बूस्टअप बूस्टअप लगाता हूँ और इसके बाद भाई बूस्टअप लगाने के बाद मैं इसको ढूंढने में लग जाता हूँ कि कहाँ गया, और बाद में पता लगता है कि बाजू वाला जो ईंटे वाला घर है ना, पता नहीं है घर है कि फैक्ट्री, आप बता देना भाई मुझे। तो मैं जब उसमें जाता हूँ तो वहाँ पर दो बंदे होते हैं। हाँ भाई, इसका एक और बंदा होता है। फिर देखो क्या होता है। अभी एक और बचा है। अभी इस बंदे की एक चालाकी दिखाऊंगा तुम्हें। जरा यहां पर देखो, बंदे को मैंने जैसे ही नॉकआउट किया, बंदा जाकर के भाई गैस सिलेंडर के पास जाकर के भाई बैठ गया कि ताकि मैं उसको गोली मारूं तो गैस सिलेंडर भी फट जाए और दोनों की पेटी बन जाए। चालाकी उसने ये की थी, लेकिन भाई असल में ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ये सब नोटिस कर लिया था। और इसके बाद यहां पर भाई मैं थोड़ा इधर उधर कर ही रहा होता हूं कि मेरे को फुटस्टेप आने लगते हैं और फिर देखो। अब मुझे गेट की तरफ से फुटस्टेप आ रहे होते तो वहाँ पर मैं जंप करके भाई प्री फायर देता हूँ कि शायद अगर बंदा वहाँ पर होगा तो उसको कुछ तो डैमेज पहुँचेगा, पर बंदा वहाँ पर नहीं था और यहाँ पर भाई एक नेड भी फटा और उसके बाद यहाँ पर भाई फुटस्टेप भी आते हैं और बंदे भी दिखते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही सीन होगा भाई जो इससे पहले हुआ था। यहाँ पर मैं नेड करता हूँ और वो भी नेड करता है और दोनों के नेड आपस में फिर से क्रॉस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं तो बाल बाल बचा, लेकिन मैंने उनका एक बंदा नॉकआउट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और नेड करता हूँ। अब दूसरे वाले नेड से तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं सीधा नीचे जाता हूँ कि मौका हाथ से ना निकल जाए। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं और मौके का फायदा उठाता हूँ। यहाँ पर भाई दोनों को नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना और कमेंट में बताना कि भाई कैसा लगा। और यहाँ पर इसके बाद भाई बग्गी को पकड़ते हैं और बग्गी को पकड़ने के बाद भाई मैं मिल्टा की तरफ से जब जा ही रहा होता ना तो आगे से गोली चलने की आवाज़ आती है और एक बंदा भी दिखता है, उसको तो लपेटेंगे। लेकिन भाई कुल मिलाकर के वहाँ पर चल क्या रहा होता भाई मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आई, बस मैं किली लपेटे जा रहा था। अब आगे बढ़ता हूँ और एक बंदा मेरे को ढलान में ही दिख जाता है। अब जैसे ही इस बंदे को नॉकआउट करता हूँ तो यहाँ पर पता नहीं इसका बंदा होता कि वो कौन होता है, Doom 69 बनाते हुए सीधा आ जाता है। भाई देखो यहाँ पर तुम, अब मैं खुद को एक कवर फायर देके आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर भाई स्मोक ने दिक्कत कर दी थी बस थोड़ी। एक और को नॉकआउट किया, अब वो Doom 69 वाला बचा था बस। अब इतनी मुश्किल तो मुझे इनको नॉकआउट करने में नहीं हुई होगी जितनी भाई यहां पर मुझे इनको ढूंढने में हुई। अब देखो ना भाई, स्मोक ही इतना कर रखा है। खैर एक दिखा। खैर अब जो भी हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर इनकी पेटी डाल दी गई। और इसके बाद यहाँ पर भाई मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और गाड़ी पकड़ने के बाद भाई मैं निकल जाता हूँ फेरी के ब्रिज के तरफ। लेकिन जब मैं वहाँ पर जा रहा होता ना तो ये मोटरसाइकिल की टशनबाजी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पर भी एक बंदा भाई मोटरसाइकिल लेते हुए दिखता है और वो एकदम उड़ा रहा होता है। तो देखो उसको यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे। अब बेचारा ये राइडर कब आया और कब गया इसको ये खुद भी नहीं पता चला होगा। खैर इसको यहाँ पर लॉबी भेज दिया और उसके बाद भाई यहाँ पर कोई भी नहीं आता तो हम बग्गी को लेकर के भाई ड्रॉप की तरफ निकल जाते हैं। ड्रॉप में मुझे ग्रोजा मिल जाती है और मुझे लगता है कि भाई ड्रॉप की तरफ बंदे आएंगे, लेकिन सच में आते तो हैं पर थोड़े दूर में आते हैं। 4 नंबर की कोई पेटी बना जाता है तो फिर मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। अब पहले तो 4 नंबर नॉकआउट होता है, उसके बाद यहाँ पर उसकी पेटी भी बन जाती है। अब मेरी बग्गी यहाँ फंस जाती है, जैसे तैसे बग्गी को निकालता हूँ, आगे जाकर के रोकता हूँ और भाई दूर से पहले देखता हूँ कि कौन कहाँ पर है, एकदम क्लोज नहीं ले जाता हूँ। अब इतने में एक बंदा दिखता है, नॉकआउट किया। अब दूसरा वाला भी दिखता है यहाँ पर।
दोनों की मस्त पेटी बनाता हूँ और उसके बाद इनको लूटता हूँ। लूटने के बाद भाई बग्गी को लेकर के जब पोचंकी की तरफ से जा ही रहा होता हूँ तो एक बंदा भाई बीच रास्ते में मजे लेने लग जाता है भाई, मुझे फायरिंग देता है और जब मैं उसके पीछे पड़ता हूँ तो भाई साहब बुरा मान जाते हैं। बग्गी से उतरता हूँ, कोने से देखता हूँ मेरे को थोड़ा सा दिखता है, लेकिन अफसोस के साथ भाई ये बच जाता है। और उसके बाद भाई यहाँ पर मेरे रैंडम टीममेट्स भी मेरे पास आ जाते हैं और ये जो बंदा होता है ना जिसको मैंने अभी फायरिंग दी है तो पता नहीं किस कोने में जाकर के सांप बन के लेट जाता है और भाई इसको मैं ढूंढते ढूंढते आखिरकार ढूंढ ही लेता हूँ। जैसा कि आपने सुना गोली चलने की आवाज़ आई, अब बंदा भी दिखेगा और इस तरीके से यहाँ पर इसकी मस्त पेटी बना देते हैं और उसके बाद इसको लूटते हैं। लूटने के बाद भाई अगला ड्रॉप जहाँ गिरा होता है हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद भाई हम इंतज़ार करते हैं कि कोई तो दिखे, पर कोई नहीं दिखता। तो वहाँ पर एक छपड़ा होता है तो मैं छपड़े पर चढ़ जाता हूँ और फिर इंतज़ार करते करते आगे की तरफ से एक गाड़ी जाते हुए दिखती है। अब आप लोगों को लगेगा कि ये यहाँ से भाई भाग गए और आप एकदम सही भी हो, ये यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पता नहीं इनको फिर क्या सनक चढ़ती है ये लोग वापस आ जाते हैं और भाई इस बार इनको चपेटे में ले ही लेता हूँ। अब एक बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ और दूसरा वाला भी उसके चक्कर में रुक जाता है और यहाँ पर मैं उनके गाड़ियों के टायर को फोड़ देता हूँ ताकि कहीं निकल ना पाए। अब हर तरीके का बैरियर उनके खिलाफ लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर सीधा गाड़ी पकड़ते हैं और भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखो क्या होता है। अंधाधुन फायरिंग देता हूँ लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता, तो सीधा यहाँ पर कवर में आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से एक नेड करता हूँ और मेरा पार्टनर जो होता है वो एक मौली करता है और उसके बाद आगे देखो। अब यहाँ पर 3 नंबर नॉकआउट हो जाएगा और भाई उसके यहाँ पर पेटी भी बना दी जाएगी। एक गया, दूसरा भी बचा, लेकिन यहाँ पर कमबख्त जोन भी आ गया। जैसे तैसे इसको भी लपेट दिया और उसके बाद यहाँ पर सीधा जोन की तरफ भागता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर पेटी बनना एकदम तय हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे बच जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एड किट लगाता हूँ, फर्स्ट एड नहीं मेडिकेट लगाता हूँ और हाँ उसके बाद फिर वापस गाड़ी को लेकर के उसी छपड़े पर चढ़ जाता हूँ जहाँ पर मैं होता हूँ और भाई बहुत देर तक इंतज़ार करते करते आगे की तरफ एक और बकरा दिखता है। अब जितने में इसको लपेटा हमारे घर के नीचे एक और बंदा आ जाता है। दूर एक घास में बंदा दिखता है। अब यहां पर एक नेड आ जाता है इतने में। अब इस हादसे के बाद यहां पर फटाक से मेडिकेट लपेटता हूं और इतने में यहां पर 2 नंबर नॉकआउट हो जाता है और बंदा आगे की तरफ ही है। अब जैसे ही ये नॉकआउट हो जाता तो यहाँ पर मैं आगे की तरफ एक मौली फेंकता हूँ ताकि उसको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकूँ, तभी तो बंदे को रिवाइव दूंगा और यहाँ पर भाई आगे देखो फिर क्या होता है। अब इतने में भाई रिवाइव देने ही जा रहा होता हूँ कि यहाँ पर एक और नेड आ जाता है। अब जैसे तैसे करके भाई नेड से तो बच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिवाइव दे रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं समझ आती है कि भाई वो जो बंदा जिसको मैंने नॉकआउट किया था ना, जब इस बंदे ने उसको रिवाइव ही नहीं दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दोनों किल एक साथ नसीब होती है। आगे देखो। तो इस तरीके से गाइज हमारे यहाँ पर हो जाता है भिन्नर भिन्नर मुर्गी डिनर। अब भाई गाइज मैं उस बंदे की अगर बात करूँ ना जिसने उसको रिवाइव नहीं दिया, तो मैं यही कहूँगा कि यार मतलब अगर कोई सिचुएशन हो इंटेंस सिचुएशन तो चलो एक पल के लिए मान लेते कि रिवाइव नहीं दिया तो चलता है, लेकिन भाई उसके पास मौका था, उसने रिवाइव क्यों नहीं दिया भाई? ऐसे पार्टनर होने से तो बढ़िया कि अकेले ही खेलो, मैं तो यही कहूँगा। अब खैर यार मैं यही चाहूँगा कि तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना और कमेंट में बताना कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है और भाई तुम्हारे पास ऐसा बंदा है जो कि मतलब रिवाइव ही नहीं देता किसी भी सिचुएशन में, जैसे इस बंदे ने अभी दिया ही नहीं, इसके पास कितना अच्छा मौका था। तो भाई कुल मिला करके इसका जवाब जरूर देना और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय।